हेलो एवरीवन, आज जानेंगे हम एमएस एक्सेस में किस तरह से अपडेट क्वेरी को चलाते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई भी एक टेबल है, उस टेबल के अंदर हमें पूरा डेटा अपडेट करना है। अब हमें कोई एक रो अपडेट करनी होती तो हम डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं डेटा। और मान लीजिए हमें पूरे कॉलम में ही कुछ भी अपडेट करना है, जैसे कि यहाँ मेरे पास हिंदी के मार्क्स हैं एग्ज़ाम्पल, इन मार्क्स में मुझे सभी में 500 ऐड करना है। अब एक एक करके करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, और यदि हमें एक बार में करना है, हमारे पास 1000, 2000 या लाखों में डेटा होता है, तो उसको हम एक क्लिक पर किस तरह से अपने डेटा को अपडेट कर सकते हैं, चलिए जानेंगे। पूरा वीडियो देखिए एंड तक अपडेट क्वेरी के लिए। देखिए, सबसे पहले हम जाएंगे हैं क्रिएट पर, उसके बाद ऑप्शन है हमारा क्वेरी डिज़ाइन। क्वेरी डिज़ाइन पर जाने के बाद यहाँ पर हमारे पास एक टेबल वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है, जहाँ हमारे पास बहुत सारी टेबल हैं, सारी टेबल्स के नाम दिखा रहा है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ये सारी टेबल हो, जो भी आपने टेबल क्रिएट की होगी वही सारी टेबल्स इसमें दिखाएगा। यह हमारे पास क्वेरीज भी हैं और बोथ भी लेते हैं। तो अभी हम अपनी टेबल में चेंजेस करना है, तो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे कोई भी टेबल। कोई भी एक टेबल सेलेक्ट कीजिए जिसमें आपको चेंजेस करना है, उसके बाद आपको ऐड पर क्लिक करना है और देन क्लोज पर क्लिक करना है। इसके बाद ये जो टाइटल है आपको इस पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ से डेटा को आपको ड्रैग करना है, ड्रैग करके यानी कि ये जो डेटा है वो सारा आपको यहाँ टेबल में पहुँचाना है। ये देखिए, यहाँ पूरा डेटा मेरे पास एक बार में एक क्लिक में आ चुका है। इसके बाद आपको क्वेरी टूल्स डिज़ाइंस में जाने के बाद यहाँ देखिए आपको अपडेट क्वेरी का ऑप्शन शो हो रहा है, आप इस पर अपडेट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अपडेट करते हैं, देखिए नीचे जो टेबल बनी हुई है वहाँ पर चेंजेस हो चुके हैं। यह सबसे पहला ऑप्शन दिख रहा है आपको फील्ड का, फिर टेबल का दिख रहा है, फिर अपडेट टू क्राइटेरिया। और अब हमें अपडेट करना है तो यहाँ से हम अपडेट कर सकते हैं। एग्जांपल, मैंने यहाँ हिंदी में मुझे अपडेट करना है तो मैंने ब्रैकेट लगाया, स्क्वायर ब्रैकेट का हम यूज़ कर रहे हैं, और हिंदी लिख देंगे, जो भी आप सब्जेक्ट में चेंज करना चाह रहे हैं। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। अब मुझे प्लस 500 करना है तो मैंने यहाँ प्लस लिखा, देन 500। आप प्लस माइनस इनटू डिवाइड किसी भी ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं, आपको जो भी चेंजेस करने हैं। एग्जांपल, मुझे इंग्लिश में मान लीजिए 10 से इनटू करना है, तो हम यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट, और इंग्लिश टाइप कर देंगे, जो भी हमारी स्पेलिंग है, जो भी सब्जेक्ट में चेंज करना है। मुझे इंग्लिश में चेंज करना है, मैंने इंग्लिश टाइप किया, और इनटू करना है तो मैंने इनटू का साइन लगा के 10 किया। देन इसके बाद आपको सिर्फ रन पे क्लिक करना है, तो यहाँ क्वेरी टूल्स डिज़ाइन में ही आपको यहाँ रिजल्ट वाले ऑप्शन में रन का ऑप्शन शो हो जाएगा। आप रन पे क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए स्पेलिंग कुछ गलत हो गई इंग्लिश की। ओके, इसके बाद यहाँ आप रन पर क्लिक करेंगे। अब वो कह रहा है आर यू अबाउट 17 रोज़, यानी आपकी 17 रोज़ अपडेट हो रही है, आपको करना है, श्योर करना ही है, इसीलिए हम अपडेट क्वेरी चला रहे हैं। तो बस अभी यहाँ आपको यस पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक करने के बाद आप अपनी क्वेरी को सेव कर देंगे, तो यहाँ ऊपर सेव पर क्लिक करेंगे, देन कोई भी क्वेरी का नाम देते हुए ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपको इस क्वेरी को यहाँ से क्लोज कर देना है। देन आप अपनी स्कूल शीट आप ओपन करके देखेंगे, ये देखिए मेरे पास जो हिंदी में है प्लस 500 हो चुका है, और मैंने इंग्लिश वाले सब्जेक्ट में इनटू 10 किया था तो यहाँ इनटू 10 हो चुका है। ओके, आप यहाँ पे कोई भी कमांड चला सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमें लेस देन ग्रेटर देन चाहिए तो वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। कोई भी डेटा हमें चेंज करना है तो उसके लिए अपडेट क्वेरी बहुत ईजी है। इससे पहले मैं आपको टेबल बनाना और डेटा बेस बनाना पहले की वीडियोस में बता चुकी हूँ, यदि आपने नहीं देखी तो पहले की आप वीडियो देख लीजिए, उसमें टेबल और डेटाबेस किस तरह से बनाया जाता है। आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और मेरा चैनल यदि अभी आप तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, आज जानेंगे हम एमएस एक्सेस में किस